हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई पुलिस की सिरोही के कई गांवों में दबिश, नागाणी। महाराष्ट्र के मुंबई के ज्वेलरी बाजार से सिरोही जिले के युवकों द्वारा सोना जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस सिरोही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दे रही है, जिस पर मुंबई पुलिस के डीएसपी सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी जांच कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने एक खेत से सोना व जेवरात भी बरामद किए हैं और दो लोगों को हिरासत में लेने की भी जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रेवतर के दांतराई, बरलूट, सिरोही कोतवाली के माकरोड़ा सहित विभिन्न जगहों पर मुंबई पुलिस ने भी दबिश दी है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी आरोपियों को ढूंढने में सहयोग कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एटी मार्ग पुलिस के भुलेश्वर में 17.5 किलोग्राम सोने के आभूषण के साथ एक कर्मचारी के फरार होने के बाद अपनी टीमों को राजस्थान भेजा है। कर्मचारी की पहचान गणेश कुमार के रूप में हुई है और वह अपने दोस्त के साथ सीसीटीवी कैमरे में कुछ बड़े बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि कार्यालय से कुल आभूषण और 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी चोरी हो गई है। मामले में शिकायतकर्ता का कार्यालय भुलेश्वर में है, जबकि उसकी आभूषण बनाने की इकाई गोरे गांव में है। राजस्थान के सिरोही निवासी कुमार पिछले कुछ महीनों से कार्यालय में काम कर रहा है। वह अन्य ज्वेलर्स को नवीनतम डिजाइन दिखाता था और ऑर्डर स्वीकार करता था। पुलिस ने कहा कि मालिक ने उसे रात के दौरान कार्यालय की देखभाल करने का भी काम सौंपा है और अगर किसी अन्य जोहरी को तत्काल आभूषण की आवश्यकता होती है तो वो कार्यालय में सो जाता था। पिछले महीने मालिक बीकेसी के आभूषण प्रदर्शनी के लिए रुपए के मूल्य के नवीनतम आभूषण डिजाइन लाए थे और बाद में इसे भुलेश्वर में अपने कार्यालय में रखा था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदर्शनी रद्द हो गई थी। पिछले हफ्ते मालिक ने अपने पिता को खो दिया और अगले 4 दिनों तक अपने कार्यालय नहीं आ सका। वो गुरुवार को ही आया। उस समय तिजोरी में 8 करोड़ से अधिक के आभूषण और नकदी रखी थी। रात में मालिक ने दिया कुमार की तिजोरी की चाबी और वहां से निकल गए। अगले दिन जब वो लौटा तो वहां सभी 17.5 किलोग्राम के आभूषण और 8 लाख से अधिक की नकदी को गायब देखकर हैरान रह गया और कुमार के कोई लक्षण भी नहीं थे। उन्होंने एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी लिया कार्यालय के। जब मालिक ने आसपास की दुकानों में काम करने वाले लोगों के साथ जांच की तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुमार और उनके दोस्त रमेश कुमार प्रजापति को बैग ले जाते हुए देखा और सड़क के सीसीटीवी कैमरों में भी इसकी पुष्टि हुई, जिसमें दोनों को भागते हुए कैद किया गया था। एक पुलिस कार्यालय ने कहा कि हमने सबूतों को गायब करने और भारतीय दंड संहिता के एक नौकर द्वारा चोरी करने के आरोप में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और हमारी टीम पहले से ही राजस्थान में है। जागरूक टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।